महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री रामदास कदम कांदिवली पूर्व के ठाकरे कॉम्प्लेक्स में कजरी महोत्सव में शामिल हुए, जहां कांग्रेस के शिवसेना में शामिल नए शिवसैनिक आनंद दुबे और युवा सेना कार्यकारी सदस्य सिद्धेश कदम के नेतृत्व में सावन की रिमझिम बरसात में भोजपुरी कजरी महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसे मुख्य अतिथि के तौर पर महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री रामदास कदम को खास तौर पर बुलाया गया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का दामन छोड़ शिवसेना का दान पकड़ने और अपने बेधड़क बोलने वाली कांग्रेस की पूर्व प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी भी मौजूद थी। वहीं कजरी महोत्सव में आए पर्यावरण मंत्री रामदास कदम को गमछा पुष्प और शिवाजी के तस्वीर से सम्मानित किया गया। मैं मेरे सारे जो साथीदार हैं, आनंद दुबे जी, सचिन पाटिल और सारे जो मेरे साथीदार, उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे जो सहभाग किया, जो उन्होंने हेल्प की है कजरी महोत्सव करने के लिए। और ये कजरी महोत्सव बार बार मैं कहना चाहता हूँ, इसमें कोई राजकीय हेतु नहीं है, कोई पॉलिटिकल माइलेज के लिए नहीं किया है। जो कजरी महोत्सव है जो हर सावन में होता है, और यहाँ के जो लोग हैं, मैं ठाकुर कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ, कांदिवली में रहता हूँ, और जो युवा वर्ग है उनसे मुझे जुड़ना है, तो ये एक छोटा सा माध्यम है जिनसे मैं उनसे जुड़ पाऊँगा, इसलिए ये कजरी महोत्सव यहाँ पर किया है। और इसके साथ जो हमारी जो महिलाएँ हैं, जो मेरी बहनें हैं, उनसे भी मुझे जुड़ने का एक काफ़ी अच्छा अवसर मिला है, तो इसलिए मैं कजरी महोत्सव यहाँ पर कर रहा हूँ। राम नाम का गूंज बड़ी जोर शोर में सुनाई दे यहाँ पे। मुझे लगता है हर एक हिंदू के मन में राम नाम का गुण तो रुण रुण में, मतलब रक्त रक्त में है। वो जोश तो मैं बोलता हूँ पूरे मुंबई में नहीं, कांदिवली नहीं, पूरे भारतवर्ष में आपको सुनाई दे रहा है, और वो सुनाई देना ही चाहिए, बिकॉज हर एक हिंदू के मन में, भले उत्तर भारतीय हो या फिर वो साउथ का हो या फिर नॉर्थ का हो या कहीं का भी हो, उसके मन में राम राम का गुण तो हो। जिन्हें मोदी जी के सामने राम मंदिर बनाने के प्रस्ताव को, अपनी बातों को आगे बढ़ाया था, आप क्या चाहते हैं? ये मैं नहीं चाहता, ये सारा युवा वर्ग, सारा उत्तर भारत, सारा भारत चाहता है कि राम मंदिर तुरंत बने। तो जहाँ हमारा राम जन्मभूमि है, जहाँ हमें मत्था टेकना है, जहाँ माथा टेकने के लिए हमें कोई जगह चाहिए, हमें मंदिर चाहिए, इसलिए हम भी चाहते हैं कि राम मंदिर जल्द से जल्द बने। और हमें विश्वास है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, उनको ये राम मंदिर, उनके जीवन वर्ष में राम मंदिर उनको बना हुआ दिखेगा, क्योंकि हमें हमारे जो प्रधानमंत्री जी है मोदी जी, और हमारे जो पक्ष प्रमुख है उद्धव जी ठाकरे, उन पर बहुत विश्वास है कि वो ये जो शब्द उन्होंने दिया है वो पूर्ण करके रहेंगे। एक आखिरी सवाल है, एक दबंग नेता आपके साथ जुड़े हुए हैं आनंद दुबे जी, इतने भारी संख्या में उत्तरवादियों के इकट्ठा हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? मुझे लगता है ये इतने सारे साल कोई गलत पक्ष में थे, आज जब ये आनंद दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप देख सकते हैं उनके साथ उनके जो परिवार है, कितना बड़ा परिवार है, उनके परिवार के माध्यम से आज हम भी उनके साथ जुड़ चुके हैं। और जैसे हमारी जी प्रियंका चतुर्वेदी जी है, वो भी मुझे लगता है गलत पक्ष में थे, आज उन्हें सही स्थान मिला है। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे पक्ष में आके, जो हम, हमारा जो पक्ष है, हम दोनों हाथ लंबे करके, दोनों हाथ फैला के उनका स्वागत कर चुके हैं, और जैसे उन्होंने भी ये जो कजरी महोत्सव में हमारी जो सहायता की है, उसके लिए मैं उनका लाख लाख धन्यवाद। आनंद जी, क्या एक्सपीरियंस रहा पुरानी पार्टी में और नई पार्टी में? बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस रहा। सबसे बड़ी बात है कि आज पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में जिन प्रभु श्री राम जी की चर्चा होती है, बाली हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अफगानिस्तान हो, हर जगह राम को लोग मानते हैं, पूजते हैं। उस श्री राम जी का मंदिर हम भारत में इतने वर्षों से नहीं बना पाए, उसका हमें दुख है। लेकिन बधाई देता हूँ शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे जी को, बधाई देता हूँ आदित्य साहब ठाकरे जी को। लेने का काम हो रहा है, उसकी बातचीत नहीं हो रही है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। थैंक यू।